हाय फ्रेंड्स, आज एक जॉब नोटिफिकेशन आई है कोची मेट्रो रेल लिमिटेड की तरफ से। आइए हम उसके बारे में बात करते हैं किन किन पोस्टों वैकेंसी निकली है। जो वैकेंसी निकली है वो सबसे पहली पोस्ट है फ्लीट मैनेजर मेंटेनेंस के लिए वैकेंसी निकली है। जो दूसरी पोस्ट निकली है वो टर्मिनल कंट्रोल के लिए वैकेंसी निकली है। जो तीसरी पोस्ट है बोट मास्टर के लिए वैकेंसी निकली है। जो चौथी पोस्ट है वो बोट असिस्टेंट के लिए वैकेंसी निकली है। जो पाँचवीं पोस्ट है वो बोट ऑपरेटर के लिए वैकेंसी निकली है, जिसमें फ्लीट मैनेजर मेंटेनेंस के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए MEO क्लास वन मास्टर सर्टिफिकेट FGV डिग्री डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। नवल एग्रीकल्चर एक्सपीरियंस की हम बात करें तो मिनिमम 8 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ CPR एक्सपीरियंस और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्सपीरियंस बोर्ड शिप में होना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन की हम बात करें तो विल बी ओवरऑल इंचार्ज वेदर मेट्रो बोट यार्ड, इंचार्ज मेंटेनेंस ऑफ फ्लीट बोट्स, डेवलप मेंटेनेंस स्ट्रेटजी फॉर द फ्लीट एंड बेस्ट प्रैक्टिस, मॉनिटरिंग एंड वेसल हेल्थ प्लान एनालिसिस ऑफ ऑपरेशन एफिशिएंसी एंड करेक्टिव एक्शन, प्लानिंग ऑफ ड्राई डॉकिंग एंड सर्वे ऑफ फ्लीट ऑफ वेसल, सिचुएटरी ऑफ क्लासिफिकेशन सर्वे ऑफ द वेसल कंडीशन, अपकीप ऑफ बोट यार्ड एंड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग वर्क बोट्स स्पेयर पार्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट की होने की होगी। पे स्केल की हम बात करें तो 70,000 पर मंथ मिलेगा। मैक्सिमम एज लिमिट जो रखी गई है वो 1 सितंबर 2021 45 साल होना चाहिए। सिलेक्शन जो प्रोसेस होगी रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा। जो दूसरी पोस्ट है वो नेम ऑफ द पोस्ट टर्मिनल कंट्रोलर के लिए एंड इसमें टोटल एट पोस्ट है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर IT होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड इंक्लूडिंग ऑपरेशन बोट शिप होनी चाहिए। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करें तो इंचार्ज ऑफ वाटर मेट्रो टर्मिनल शेड्यूलिंग एंड रोस्टर ऑफ बोट्स एंड क्रू, ऑपरेशन ऑफ द टर्मिनल एंड पैसेंजर मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन विद ऑपरेटिंग कंट्रोल सेंटर ऑफ एफिशिएंट ऑपरेशन गोल्स। पे स्केल की हम बात करें तो 32,000 पर मंथ मिलेगा। इसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है वो 45,000 रखी गई है एंड जो सिलेक्शन होगी आपको रिटन टेस्ट एंड प्रोफेशनल टेस्ट प्रैक्टिकल टेस्ट इंटरव्यू होगी। जो अगली वैकेंसी निकली है वो बोट मास्टर के लिए टोटल 8 पोस्ट है एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एसेंशियल डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड क्लास मास्टर्स सर्टिफिकेट इन कंप्लायंस विथ KIV रूल्स। एक्सपीरियंस की हम बात करें तो मिनिमम 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होने चाहिए। पे स्केल जिसे मिलेगी आपको वो 32,000 पर मंथ मिलेगा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्होंने ऐड कर रखा है मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए, जो अप्लाई करना सब रीड कर सकते हैं। जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है वो 45 से रखी गई है एंड जो सिलेक्शन प्रोसेस है रिटन टेस्ट है प्रोफेंसिव टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट इंटरव्यू है। जो अगली वैकेंसी निकली है वो बोट असिस्टेंट के लिए निकली है। टोटल 8 पोस्ट पर वैकेंसी निकली है एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10+2 पास सर्विंग सर्टिफिकेट इन कंप्लायंस विद KIV रूल्स, डिजायरेबल IT डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिमम 2 ईयर जब शेयरिंग इन सी और इनलैंड वेसल में होनी चाहिए। पे स्केल की हम बात करें तो 30,000 पर मंथ मिलेगा। जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है वो 45 साल रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो रिटन टेस्ट होगी, प्रोफेशनसी टेस्ट होगी, प्रैक्टिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा। जो अगली वैकेंसी निकली है वो बोट ऑपरेटर के लिए है एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एसेंशियल 10+2 पास आउट होना चाहिए या ITI डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। एक्सपीरियंस की हम बात करें तो मिनिमम 2 ईयर ऑफ बोट इंजीनियर ऑपरेटर्स इन सी इनलैंड वेसल में होना चाहिए। पे स्केल की हम बात करें तो 30,000 पर मंथ मिलेगा। जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है वो 1 सितंबर 2021 तक 45 साल होने चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो रिटन टेस्ट होगी, प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। ये सब कुछ जनरल कंडीशन दे रखे हैं जो अप्लाई करना से रीड कर सकते हैं। जो लास्ट डेट अप्लाई करने का वो 6 अक्टूबर 2021 तक रखी गई है।
इसका लिंक मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर रीड कर सकते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।